हमारे गेस्ट्स, हमारे सिख कम्युनिटी के मेंबर्स जो सारी दुनिया से आए हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, जो बाहर से आए हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी मैंने जो सबसे बड़ी जो मैं अभी तक सुना हूँ आपसे कि वीज़े के मसले, मैं इंशाल्लाह ये आपको अश्योर करता हूँ, आपके मल्टीपल वीज़े भी इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे, आपके लिए आसानी भी पैदा करेंगे, हर किस्म की आसानी पैदा करेंगे। हम जब आए थे, हमारी हुकूमत आई, तो बड़ा हमने देखा कि बड़ा मुश्किल था वीज़ा लेना, सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए नहीं, जो भी पाकिस्तान टूरिज्म के लिए आना चाहता था उसके लिए हमने मुश्किलें पैदा की हुई थी। तो हमने आते साथ ही अपनी वीज़ा रेजीम चेंज की, लेकिन क्योंकि एक बड़ी देर का एक कल्चर बना हुआ है, इसलिए थोड़ा शायद टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके लिए वीज़े के लिए भी आसानी हर जगह, बल्कि हम कोशिशें करेंगे आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा मिले। और दूसरा, यहाँ जो आपका जाना है, आपने हिंदुस्तान जाना हो, वापस आना हो, इंशाल्लाह आपके लिए मल्टीपल वीज़ाज भी हम करेंगे। अच्छा, मैंने आखिर में सुरजीत सिंह थे जी, उन्होंने भी कहा कि नफ़रतें ख़त्म करनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो पाकिस्तान की पहली जनरेशन थी। मेरे माँ बाप एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ था, और यहाँ हम जब लाहौर में बड़े हो रहे थे तो हमने बड़ी बड़ी दुख भरी दास्तानें सुनी कि किस तरह का जुल्म हुआ, जो वहाँ से लोग आए पंजाब से, इस पंजाब से इधर, इधर से उधर गए, उन्होंने बड़ी तकलीफ दे दास्तानें सुनाई, और उधर से जो इधर आए उन्होंने बताया कि किस तरह की कत्लेआम हुई। तो हम तो बड़े हुए थे इसके ऊपर, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान पहली दफ़ा क्रिकेट खेलने गया तो हमने बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का मुल्क पाया, जो हमें जिस तरह की वहाँ वेलकम मिली, जिस तरह का इज्जत मिली, जिस तरह का प्यार मिला, तो हम हैरान हो गए कि ये इतनी नफरतें हम सुनते आ रहे थे और इतने खौफनाक चीज़ें सुनते आ रहे थे, और फिर एक हिंदुस्तान जो हम समझते थे कि दुश्मनों का मुल्क है, वहाँ हमें बड़ी इज्जत मिली, मेरी दोस्तियाँ हुई, बड़े मेरे अभी भी हिंदुस्तान में मेरे बड़े दोस्त हैं। तो जब मुझे अल्लाह ने जिम्मेदारी दी, प्राइम मिनिस्टर बना, तो पहली मेरी कोशिश ये थी कि हम हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर करें। पहली मैंने पैगाम दिया, जब जिस दिन वज़ीर आज़म बना तो मैंने पैगाम दिया हिंदुस्तान को कि आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम दो कदम आपकी तरफ आएंगे। नरेंद्र मोदी को मैंने कहा जब टेलीफोन पे बात हुई कि हम दोनों मुल्कों के एक ही मसले हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, और एक उससे बड़ा, एक बहुत बड़ा बड़े शरीर में अजाब आने लगा है क्लाइमेट चेंज का। हम यहाँ एक टिकिंग बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और अगर हमने जॉइंटली इसके ऊपर कुछ ना किया तो आगे ये दरियाओं में पानी कम होता जाएगा, और यहाँ करोड़ों लोग जो दरिया के पानी के ऊपर गुजारा करते हैं, तो हम इकट्ठे मिलकर ये करें। और हमारा एक ही मसला है कश्मीर का 72 सालों से, तो वो डायलॉग से हम हल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपके सामने हैं, जो इवेंट्स जैसे जैसे बदलते गए, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है
कि हमने मैंने जितनी भी कोशिश की हमें वहां से एक ऐसे लगा कि कंडीशंस डालो, ये भी आप करें वो भी करें, जिस तरह कोई सुपर पावर किसी गरीब मुल्क को कह रही होती है कि पहले आप ये करें तो फिर हम आगे चलेंगे। मैं बहुत हैरान था क्योंकि मेरे जहन में ही नहीं है कि ये कोई भी जंग से मसले हल होते हैं। जो भी जंग से मसले हल करने की कोशिश करता है उसमें अकल ये नहीं है, उसने तारीख ही नहीं पढ़ी हुई दुनिया की। आप एक मसला हल करते हैं जंग से, चार और मसले खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने भी जंग से मसले हल किए हैं, अगर वो जीते भी हैं तो इतना हार गए, इतना नुकसान हुआ है कि कई साल लगते हैं मुल्क उससे फिर से वापस खड़ा होने में। लेकिन मुझे अफसोस से ही कहना पड़ता है कि जो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, ये एक उस नजरिए पे चल रही है, ये वो आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी की वजह से पाकिस्तान बना था। कायद आजम तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर कहलाए जाते थे, वो तो कम्युनल थे ही नहीं। उन्होंने एक वक्त पे जाके देखा कि ये जो आइडियोलॉजी है ये सारे इंसानों के लिए आजादी नहीं चाह रही, ये सिर्फ हिंदू राज चाह रही है जिसको हिंदुत्व कहते हैं। तब, और मैं दाद देता हूं कायद आजम को, क्योंकि तब समझ गए थे, तब उन्होंने पाकिस्तान की बात की और उन्होंने बार बार मुसलमानों को कहा कि तुम्हें नहीं आजादी मिल रही, तुम अंग्रेज की आजादी के बाद, गुलामी के बाद हिंदुओं की गुलामी में जा रहे हो। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो हिंदुस्तान के हालात है, जो आरएसएस कर रही है लोगों से, उनको पता चलता है जी गोश्त खाया किसी ने या गोश्त कोई गाय लेके जा रहा है, उनको कत्ल कर देते हैं सड़कों पर, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये तो कोई इंसानियत ही नहीं है। कोई भी दीन इसकी इजाजत नहीं देता, हिंदू जो दीन है वो इसकी इजाजत नहीं देता। कोई भी दुनिया में जो दीन है अल्लाह का, अल्लाह ने कहा मैंने सारे इंसानों को अपनी शरीयत दी, तो अल्लाह का जो भी पैगंबर आया है वो दो चीजें सारे पैगंबरों ने कही, इंसानियत, रहम और इंसाफ। ये दो चीजें हैं जो इंसानी माशरे को जानवरों के माशरे से मुख्तलिफ करती हैं। नहीं तो जानवर भी आता है खा पी के बच्चे पैदा करके चला जाता है। इंसानी माशरा फर्क तब होता है जिसमें इंसानियत होती है, रहम होता है, कदर होती है इंसान की। ये जो हरकतें कर रहे हैं, आप मुझे बताएं किसी को कोई सोच रहा है कि वहां 27 दिनों से कर्फ्यू लगाए हुए कश्मीर के ऊपर, 80 लाख लोगों को बंद किया हुआ है, ना दवाइयां हैं, बेचारे मरीजों को क्या हो रहा होगा, बच्चों को क्या हो रहा होगा, किसी के अंदर रहम हो वो ये कर सकता है इंसानों से? सोचे कि कोई भी दीन इसकी इजाजत देता है? आप हिंदुइज्म पढ़ रहे हैं, हिंदुइज्म में कोई इजाजत देता है इंसानों को ऐसा करने के लिए? सिर्फ आप तब करते हैं जब आप समझते हैं कि दूसरे दीन के लोग बराबर के इंसान ही नहीं है। हमारा रब रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत लेके आए थे। अगर मुसलमान किसी भी दूसरे मजहब से नाइंसाफी करता है तो वो हमारे दीन के खिलाफ है, वो हमारे दीन की खिलाफ वर्जी करता है। हम जब मुझे कहते हैं लोग कि जी शायद ये जो अक्लियतों के हम बात करते हैं, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो बराबर के हमारे शहरी, लोग कहते हैं कि जी कायदे आजम की तकरीर की बात करते हैं, कायदे आजम ने 11 अगस्त 1948 को जो तकरीर की थी उन्होंने कहा था तुम सब आजाद हो, जो भी आपका दीन है आप आजाद हो, आप बराबर के शहरी हैं, आप अपने मस्जिद मंदिरों में जा सकते हैं, स्टेट आपको नहीं रोकेगी। ये कायद आजम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहे थे, ये हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है। कई दीन कुरान में, दीन में जबरदस्ती नहीं है। क्यों जबरदस्ती नहीं है? क्योंकि दीन तो एक इमाम तो एक अल्लाह का खास नेमत है, वो किसी इंसान को देता है।
वो तो दिल की बात है। ईमान तो एक ऐसी चीज है जो इंसान को आजाद कर देता है। ये अल्लाह की, जिस तरह मैंने कहा, सबसे बड़ी नेमत है, तो इसमें जबरदस्ती कैसे हो सकती है? कौन जबरदस्ती किसी को ईमान की तरफ ला सकता है? इसलिए कुरान में लिखा हुआ दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इसलिए हम सब इंसानों को, क्योंकि रब्बुल आलमीन है, हम सब इंसानों को बराबर समझते हैं, सब अल्लाह की मखलूक है। इसलिए जब भी इस्लाम के अंदर कोई किसी से, किसी भी अकलियत, किसी भी मजहब के लोगों से जुल्म या नाइंसाफी करता है, वो हमारी कुरान, हमारे दीन के खिलाफ जाता है। मैं ये इसलिए ये आज कह रहा हूं कि मुझे, मैं आप सब यहाँ बैठे हुए, मैं आप सब के सामने कहता हूँ कि मुझे खौफ है जो हिंदुस्तान में आ रहा है। मैं हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जिस तरह कितनी दफा जाता था वहां, और जिस तरह मेरे अभी भी दोस्त है वहां, दोस्ती है, लेकिन जिस तरफ ये आरएसएस हिंदुस्तान को लेके जा रही है, इसके अंदर किसी की जगह नहीं है। आज मुसलमानों से जो हो रहा है हिंदुस्तान में, तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गेटोज में हैं, डरते हैं, विक्टिमाइज हो रहे हैं, जो कश्मीरियों से हो रहा है, फिर क्रिश्चियन से जो हुआ है वहां, यही आरएसएस की आइडियोलॉजी। और ये रुकेगी नहीं यहां, ये अगर इसके ऊपर रोका ना गया, ये दलित को भी तंग करेगी, ये सिख मजहब के ऊपर भी जाएगी, क्योंकि ये टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है कि सिवाय इनके कोई और नहीं, रेसिस्ट आइडियोलॉजी है। जो आरएसएस के जो फाउंडिंग फादर्स थे, गोवालकर, गुलवाकर और एक सरवास्कर, सावरकर, इनकी आप पढ़ें तो सही, ये तो हिटलर को आइडियलाइज करते थे रेशियल प्योरिटी में, कि जी हमारी रेस है, हिटलर तो ये कहता था ना जो नाट्सी, कि हमारी जर्मन रेस है, बाकी तो कमी है, बाकी तो मार भी दो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, प्योरिटी ऑफ द रेस बिलीव करते थे। ये वो रेसिस्ट आइडियोलॉजी है जिससे हिंदुस्तान के लोगों को ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये तो टॉलरेट ही नहीं करेंगे इनके, वो जो आरएसएस के ट्रेन लोग जाते हैं पढ़ के। मैं अभी आज सुबह देख रहा था कि कोई डेमोस्ट्रेट करता है वो पहुंच जाते हैं वहां, कोई भी आइडियोलॉजी खिलाफ है उसको गद्दार कह देते हैं कि मुल्क के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान को इससे ज्यादा खतरा है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं। आप यहां बैठे हैं, बाहर से आपने डेमोक्रेसी को देखा हुआ है, आपको भी सबको इस आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इसका सबको खतरा है। और फिर हम दो न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, अगर ये आगे टेंशन बढ़ती है तो दुनिया को खतरा है इससे। तो मैंने आपके लिए सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारी तरफ से कभी भी कोई किसी तरफ पहल नहीं होगी। हम कभी भी ये जो सारा इस वक्त जो सिचुएशन खड़ा हुआ है कश्मीर पे, ये तो कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता जिस पर इंसानियत। क्या आप 27 दिन 80 लाख लोगों को बंद कर दें, ना कोई न्यूज आ रहे थे ना वो बंद कर दें, ये तो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये छोड़े मुसलमान कोई और भी होते हैं, तब भी मैंने अपनी आवाज बुलंद करनी थी, कोई और सिख होते हैं तब मैंने आवाज बुलंद करनी थी। आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। ये एक हमारे लिए, मुसलमान के लिए, जब हम सोचते हैं कि करतारपुर आपका मदीना है और ननकाना साहब आपका मक्का है, तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि कोई हम ये सोच भी नहीं सकते कि कोई हमें मक्का और मदीना से दूर रखे। हमें यानी कोई भी मुसलमान को कितनी तकलीफ हो कि अगर हमें कोई मक्का और मदीना ना जाने दे, तो इसलिए तो कोई आपके ऊपर फेवर नहीं की, ये हमारा फर्ज था
हमारा हम इंशाल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन आपको ये इनको भी ठीक करेंगे, यानी आपके लिए सहूलतें वहाँ भी पैदा करेंगे, ननकाना साहब भी और भी आपके श्राइन्स हैं हसरत अब्दाल में भी है, इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे पूरी तरह। ये अभी क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं, पहली दफ़ा वीज़ा रजीम खुल रही है, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं आपको शोर करता हूँ कि आगे आपको किसी किस्म का हम यानी आसानियाँ पैदा करेंगे आपके लिए, जितना भी आसान हो। और इंशाल्लाह ये जो 550 सालगिरह गुरु नानक की, ये इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर हम पूरी तरह सेलिब्रेट करेंगे।